अस्सलाम गाइस, दिस इज़ मान नवाज़ एंड आई एम हेयर विद अनदर पार्कोर ट्यूटोरियल। तो आज का जो हमारा ट्यूटोरियल है बैक फ्लिप के ऊपर है। बैक फ्लिप होती क्या है पहले मैं आपको करके दिखाता हूँ। बेसिकली सिंपल बैक फ्लिप ये होती है, सिंपल बैक फ्लिप। और बैक फ्लिप से पहले मैंने काफ़ी सारे ट्यूटोरियल बनाए हैं और मैं ए टू जेड पार्कोर के ट्यूटोरियल क्रिएट कर रहा हूँ। इससे पहले मैं फ्रंट रोल, बैक रोल, कार्टविल, हैंड स्प्रिंग और बैक हैंड स्प्रिंग का ट्यूटोरियल बना चुका हूँ। अब हम बैक फ्लिप का ट्यूटोरियल बना रहे हैं। सो गाइज, बैक फ्लिप सीखने से पहले आपको बैक हैंड स्प्रिंग सीखनी पड़ेगी, जिसका लिंक मैं ऊपर डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। आप ज़रूर जाके देखिए और उसको भी कॉपी करने की कोशिश करें, उसको भी सीखने की कोशिश करें। लेकिन हमारे आज के ट्यूटोरियल में वो कहाँ यूज़ होगी, मैं स्टेप बाय स्टेप उसको उसमें इंक्लूड करूँगा। अभी हमारा पहला स्टेप है जिसमें हम सबसे पहले सीखेंगे फुल अप जंप स्ट्रेट लेग, सेकंड स्टेप हमारा फुल अप जंप क्लोज लेग, थर्ड स्टेप हमारा बैक रोल, फोर्थ स्टेप हमारा है ब्रिज, फिफ्थ स्टेप हमारा है इसके ऊपर रोल करेंगे, और सिक्स स्टेप हमारा है बैक हैंड स्प्रिंग, और सेवन्थ स्टेप हमारा है बैक फ्लिप। तो ये हमारे 7 स्टेप हैं। नंबर 1 स्टेप की तरफ आते हैं कि बैक जंप या फुल अप जंप क्या होता है। तो बेसिकली आप एक बात अपने जहन में डाल लीजिए कि वर्ल्ड में जितने भी जंप होते हैं वो हमेशा उसमें जो बाजुओं की स्विंग होती है वो नीचे से अपवर्ड होती है, और इसके अलावा एक फ्रंट फ्लिप का जंप है जिसमें हम हाथ ऊपर से नीचे को थ्रो करते हैं, लेकिन वो सिर्फ एक ही कंडीशन है वर्ल्ड में। जब फ्रंट फ्लिप का ट्यूटोरियल आएगा मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। तो इसमें पहले क्या करना है, हमने फुल अप जंप कैसे करना है, 1 2 3 पे 1 2 3, इसमें लेग्स भी बिल्कुल स्प्रिंग की तरह यूज़ करनी है ताकि आपको ऊपर लिफ्ट करें, 1 2 3। अब देखिएगा 1 2 3, ये आपने जंप करने, आप समझ लें अगर आपने 1000 जंप कर लिए ना ये चीज़ सीखने से पहले, तो आपकी लेग्स में बहुत ज़्यादा इसका इम्पैक्ट आ जाएगा और आपकी लेग्स बहुत अच्छे से चीज़ को समझेंगी। तो हमारी ये फुल अप जंप के बाद जो हमारी सेकंड चीज़ है वो है फुल अप जंप टक। टक करना बेसिकली मकसद टक का ये होता है कि जब आप बैक फ्लिप करें या फ्लिप उठाएं तो उसमें जो रोटेशन आपकी होती है वो रोटेशन अच्छे से हो सके। तो उसके लिए आपको एटलीस्ट जो है प्रॉपर क्लोजिंग करनी आनी चाहिए, नहीं तो जब बंदा शुरू में सीख रहा होता है तो खतरा ज़्यादा होता है। जब आपने अपनी इन सब एक्सरसाइज को कंबाइन किया है, जंप लिया है और जंप के बाद क्लोजिंग को पकड़ लिया है, तो 99% चांस ही हो जाते हैं कि आप इजीली और सेफली लैंड हो सकोगे। तो इसलिए आपने अपनी सेफ्टी का ख्याल करना है, तो सेफ्टी में आपको ये सारी की पॉइंट जितने भी हैं इन पर अमल करना है, ठीक है। अब हम करेंगे फुल अप जंप टक वाला, फुल अप जंप क्लोजिंग वाला, उसका तरीकाकार भी यही है 1 2 3। लेकिन जब आप स्विंग लेके फुल एयर में चले जाओगे तो आपने अपनी नीज को कैच करना है, पकड़ने की कोशिश करनी है। इसका तरीका कार क्या है, 1 2 3, हल्का सा ग्रैब किया, अपनी तरफ पुल किया और छोड़ दिया। अगेन देखिएगा 1 2 3, पकड़ा, ग्रैब किया और इसको छोड़ दिया। सिंपल है बिल्कुल इसमें, लेकिन इशू ये आता है फुल अप जंप में कि मोस्टली बंदे जिनके अंदर कोर की स्ट्रेंथ नहीं होती वो जब फुल अप जंप करते हैं तो वो नीज को अपनी तरफ खींच नहीं पाते बल्कि अपनी अपर बॉडी को नीचे झुका लेते हैं। आपका फोकस ये होना चाहिए कि आप अपनी नीज को अपनी चेस्ट की तरफ खींच सको और वो हमेशा आपकी ये जो नाफ है इसके निचले एरिए से आपकी लेग जाएंगी। आपने अपनी चेस्ट को सामने रखना है और अपनी लेग्स को पुल करना है अपर को। मैं आपको आपको कैमरे में देख के करके दिखाता हूँ, देखें 1 2 3, देखिए मेरी नज़र कैमरे की तरफ ही थी, मैंने नज़र नहीं हटाई। तो ये एक्सरसाइज नंबर 2 है। अब हम एक्सरसाइज नंबर 3 की तरफ जाएं, तो एक्सरसाइज नंबर जो 3 है वो है बैक रोल। तो बैक रोल की बात करते हैं। अच्छा, बैक रोल से पहले फ्रंट रोल सीखना ज़रूरी है। मैंने फ्रंट रोल का भी ट्यूटोरियल दिया हुआ है, बैक रोल का भी ट्यूटोरियल दिया हुआ है, ऊपर आप देख लें एक बार बैक रोल उसका बेहतर तरीका क्या है तो आपको समझ आ जाएगा। मैं इसका डिस्क्रिप्शन भी दे रहा हूँ। अब मैं बैक रोल करके दिखाता हूँ आपको ताकि आपको और अंडरस्टैंडिंग हो जाए बैक रोल होता क्या है। बेसिकली बैक रोल सिंपल आप इसको कंडीशन को कह लें कि जो नॉर्मलाइज आपकी कंडीशन हो जिसमें आप इजीली बैठ सकें। मेरे ये टोज़ जो हैं, मैं टोज़ पे बैठा हूँ, लेकिन हर कोई टोज़ पे नहीं बैठ सकता, पूरे पाँव पे भी बैठ सकता है। तो आपने कोशिश करनी है पूरे पाँव पे बैठ जाए कि मेरा नेचुरल टोज़ पे आता है, ठीक है। आपने क्या करना है, अपनी पूरी बैक को रोटेट करना है ज़मीन पे, उसके बाद आपकी नेक टच होगी, नेक के टच होने के बाद आपने अपने हाथों को टच करना है और अपनी बॉडी को दोबारा लिफ्ट कर लेना है। मैं आपको करके दिखाता हूँ, ये आप देखिए 1 2 3 गो, ये
बिल्कुल सिंपल है, इजी है, ठीक है। इसका ट्यूटोरियल मैंने दिया हुआ है, मैं फिर कह रहा हूँ आप दोबारा जाके देख लें, बारीकी से चीज़ों को देखेंगे, सीखने में आसानी होगी। हर चीज़ का अलग-अलग ट्यूटोरियल क्रिएट किया हुआ है तो आपके लिए आसानी है। मैं यही कोशिश कर रहा हूँ कि जिस तरह हम किसी को बेसिक से सिखाते हैं, सबसे पहले मैंने स्ट्रेच का ट्यूटोरियल बनाया है, फिर वार्म अप का ट्यूटोरियल बनाया है, फिर फ्रंट रोल, बैक रोल, कार्टविल, ब्रिज, और उसके बाद बैक हैंड स्विंग, ए टू जेड बेसिक से सब चीज़ों का बना रहा हूँ। अभी भी बैक समर पहले आता है इसलिए बैक समर का बनाया है, नहीं तो मैं फ्रंट फ्लिप का बनाना चाह रहा था, लेकिन जो सीक्वेंस है मैं उस सीक्वेंस के मुताबिक ट्यूटोरियल बना रहा हूँ। एक बार फिर से बैक रोल देख लें कि बैक रोल में बेसिकली होता क्या है। ये देखिएगा, आर्म स्ट्रेट नीज चेस्ट के साथ और पीछे को रोटेट करना है और हाथों से एंड पे आपने लिफ्ट होना है। ये देखिएगा, ये बिल्कुल सिंपल है और अंडरस्टैंडेबल है, ठीक है। हमारी तीन हो गए स्टेप्स। स्टेप वन था हमारा फुल अप जंप स्ट्रेट लेग, स्टेप टू था हमारा फुल अप जंप विद क्लोज लेग या टक लेग, स्टेप थ्री था हमारा बैक रोल, अब स्टेप फोर है हमारा ब्रिज, ठीक है। अब हम ब्रिज की तरफ आते हैं। ब्रिज में बेसिकली क्या ब्रिज कहते किसे हैं वो बता देता हूँ। आप अपनी बैक को, अपनी कमर को एक ब्रिज बनाते हैं ज़मीन पे, मैं आपको बना के दिखाता हूँ। कुछ लोग जब स्टार्ट करेंगे तब उनको ज़मीन के सहारे करना पड़ेगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आपका इतना ईजी हो जाएगा कि आप स्टैंडिंग फॉर्म में भी कर सकते हैं। मैं आपको स्टैंडिंग फॉर्म में भी करके दिखाऊँगा और लेट के भी करके दिखाऊँगा, लेकिन जो लोग लेट के भी नहीं कर सकते और स्टैंडिंग फॉर्म में भी नहीं कर सकते उन्होंने कैसे करना है मैं वो भी करके दिखाऊँगा, ठीक है। सबसे पहले मैं लेट के करके दिखाता हूँ फिर स्टैंडिंग करके दिखाता हूँ। लेट के करना है आपने, सिंपली आपने लेटना है ज़मीन पे, ज़मीन पे आप लेटे, ये आप लोगों का ब्रिज है, ठीक हो गया। अब इसमें आप क्या कर सकते हैं कि आप इसको खड़े होकर कैसे कर सकते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। अब यूँ खड़े हुए, लेकिन इसको आपने पहले सीखना है, क्योंकि मैं तो इस चीज़ में एक्यूरेट हूँ, हर बंदा नहीं कर सकता, सिर लगने का खतरा होता है। अब ये देखिएगा, ये गया मैं नीचे, ये मैंने स्टैंडिंग ब्रिज कर लिया। अब जो बंदा स्टैंडिंग ब्रिज भी नहीं कर सकता और लेट के ब्रिज भी नहीं कर सकता, उसके लिए सबसे सिंपलेस्ट वे है, क्योंकि बेसिकली आप बैक की स्ट्रेच बढ़ानी है तो कोई बात नहीं, अगर आपका नहीं होता कोई मसला नहीं है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि आपने स्ट्रेच कैसे बढ़ानी है। फॉर एग्ज़ाम्पल इस तरह का बॉक्स है आपके पास, 3 फुट का 4 फुट का, ठीक है। इस पर आपने अपने हाथ रखने हैं, इस तरह से नहीं रखने, टर्न करके रखने हैं उल्टे, और इसी तरह से आपने बिल्कुल उसके पास जाना है और दूसरा हाथ भी रख लेना है, और इसी तरह से किसी चीज़ के सहारे अपनी बैक की स्ट्रेच कर सकते हैं, ठीक हो गया। तो ये आपकी बेसिक स्ट्रेच है कमर की। हमारी 4 एक्सरसाइज हो गई हैं इस हवाले से। तो ब्रिज के बाद अब हम आएंगे अपने जंप में, कि हमने इसके ऊपर रोटेशन करनी है जंप की, उसको समझना है, और दूसरी तरफ हमने साथ ही उसके बाद बैक हैंड स्विंग कहाँ ऐड होगी, बैक हैंड स्विंग को ऐड करना है, और उसके बाद हम बैक फ्लिप की तरफ जाएंगे। अब हमारी 5वीं एक्सरसाइज है। 5वीं एक्सरसाइज बेहतर है अगर आपके पास कोई ऐसी सॉफ्ट चीज़ हो, लेकिन अगर आपका सॉफ्ट चीज़ नहीं है तो आपने क्या करना है, आपने इस 5वीं एक्सरसाइज को ऐड नहीं करना, आपने बैक हैंड स्विंग की तरफ वापस जाना है। अब इसमें मैं आपको करके दिखाता हूँ एक्सरसाइज, फिर आपको खुद समझ आ जाएगी कि कितनी बेनिफिशियल है हमारी हमारे इस ट्यूटोरियल के अंदर। देखें, आपने एक्सरसाइज नंबर 1 सीखी फुल अप जंप, आपने एक्सरसाइज नंबर 2 सीखी बैक रोल। अब क्या करना है, हमने बैक रोल और जंप को कंबाइन करना है। हमने यहाँ पे खड़े हुए पहले हमने फुल अप जंप लेना है, उसके बाद कमर पे ड्रॉप होना है और नीज पकड़ के, और नंबर 3 हमने बैक रोल कर देना है, पीछे को घूम जाना है, कि एक किस्म का यही फील आए कि हमने बैक समर किया है। जैसे देखिएगा, 1 2 3 ये पकड़ लिया हम कमर पे आगे, एक बार और देखिएगा, अब देखिएगा कि हमें हमारे लिए कितना बेनिफिशियल होगा। दोबारा एक बार करके दिखाता हूँ, 1 2 एंड 3, ठीक है। अब मैं इसके अंदर जो है ना बैक रोल को ऐड करने की कोशिश करूँगा। बेसिकली इसको थोड़ा सा तिरछा रखना पड़ता है, उससे बैक रोल घूम जाता है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ बैक रोल मेरा घूम जाए, ठीक है। ये बैक रोल घुमाना थोड़ा सा मुश्किल था, बेसिकली उस साइड से थोड़ा ऊंचा करें ना तो थोड़ा सा ढलवान बन जाती है, तो बैक रोल घुमाना आसान होता है। अगर आपके पास इस तरह की कोई चीज़ मौजूद है तो आपके लिए बैक रोल घुमाना आसान है। अब ये बेनिफिशियल इसलिए है कि बेसिकली हमने जंप लिया, हम एयर में गए, एयर में जाके हमने अपने आप को किसी का कमर पर ड्रॉप किया। अभी कमर के ड्रॉप को भूलो, इग्नोर करो, तो आगे क्या हुआ, हमने बैक रोल किया इस एरिया के ऊपर, ये 2 फुट ऊंचा है, तो हम रोल कर रहे थे तो हम ज़मीन पे लैंड हो गए। इसी तरह से जब हम जंप करेंगे, हवा में रोटेट करेंगे, इसको इग्नोर करें, तो हम बेसिकली बैक समरी कर रहे हैं। अब ये हमारा हो गया 5th स्टेप। अब जो हमारा 6th स्टेप है वो हमारी बैक हैंड स्विंग है,
जो बैक हैंड स्विंग हमने सीखी है अपने पिछले ट्यूटोरियल में, फिर उसका लिंक मैं ऊपर दे रहा हूँ, आपको वो आनी बहुत ज़रूरी है। उससे क्या होगा, आपका बैक रोटेशन का फियर ख़त्म हो जाएगा, नहीं तो आपको हर टाइम ये खौफ रहेगा कि यार बैक में घूमूंगा कहीं चोट ना लग जाए, कहीं ये ना हो जाए, कहीं वो ना हो जाए। इसलिए बैक का फियर ख़त्म करने के लिए आपको बैक हैंड स्विंग आनी चाहिए। मैं एक बार करके दिखाता हूँ, एक दो दफ़ा कर देता हूँ ताकि हमें पता चले वो होता क्या है। अब उसको बैक समर में कैसे कन्वर्ट करना है वो बता देता हूँ। बेसिकली हम बैक हैंड स्विंग कर रहे होते हैं, जो बैक हैंड स्विंग की ओरिजिनल टेक्निक है उसमें क्या करना होता है, आपने जंप लेना होता है और पीछे को फेंकना होता है दूर, और उसके बाद ज़मीन में हाथ टच करने होते हैं और फ्लिप को रोटेट करना होता है। तो जब आप पीछे को फेंकते हो ना, तो आप अपनी टांगों के सारे जंप को पीछे फेंकते हो, उसको ऊपर नहीं जाने देते। लेकिन हम क्या करेंगे, बैक स्विंग मैं पहले ही करूंगा, उसमें क्या करूंगा, वही वाली जो पीछे फेंकने वाली होती है दूसरी करूंगा, थोड़ा जंप लूंगा, तीसरी में और जंप को बढ़ाऊंगा ताकि एक जंप ऐड हो जाए और वो बैक हैंड स्विंग जंप वाली बन जाए और बाद में उसको हम टक वाली बना ले। तो मैं करके दिखाता हूं आपको बैक हैंड स्विंग। ठीक है, ये बैक हैंड स्विंग थी मैंने जो पीछे फेंकी है। ठीक है, अब मैं सेकंड करूंगा जिसमें मैं थोड़ा सा जंप ऐड करूंगा और तीसरी में और जंप ऐड करूंगा। ये इसे मैंने क्या किया, इसे मैंने हैंड जो है ना फ्लोर को बहुत लेट टच किए हैं। मैं एक और करता हूं उसमें और लेट टच, यानी कि फ्लाइट लेता हूं और लेट टच करूंगा। उसमें क्या होगा कि जब मैं इसे लेट टच करूंगा तो मुझे इतना टाइम मिलना शुरू हो जाएगा कि मैं अपनी लेग जल्दी ले आऊं। तो मैं कोशिश करता हूं कि पहली एक हैंड स्विंग करता हूं मजीद जंप वाली, उसके बाद कोशिश करूंगा कि हैंड स्विंग ही बनाऊं लेकिन हाथ ना लगाऊं, टांगों को ले आऊं। देखा है आपने, अब दोबारा देखिएगा, लास्ट देखिएगा, इसमें मैं क्या करूंगा, इसमें हैंड स्विंग का फुल जंप लूंगा और लेग्स को ले आऊंगा। ये देखें मैंने क्या किया, वही जंप लिया, वही हाथों को निकाला है और एंड पे हाथों को खींच लिया, लेग्स को तेज़ कर दिया, तो वही बैक हैंड स्विंग बैक समर में कन्वर्ट हो गई है। ठीक हो गया, अब हमारा यहाँ तक जो है 6 स्टेप पूरे हो गए हैं। अब बात आती है सातवें स्टेप की, सातवें और आखिरी स्टेप की, जो कि सबसे मेन है और वही तो हम सीख रहे हैं, जिसको हम बैक समर के बोलेंगे, बैक टक बोलें, बैक फ्लिप बोल लें। ठीक है, ओके, सो गाइस बैक फ्लिप कम्बिनेशन है हमारी हर वो एक्सरसाइज का जो हमने की है। एक्सरसाइज नंबर 1 थी हमारी फुल अप जंप, उठाया, मैं एक बैक समर करके दिखाता हूँ, इसको मैं स्लो मोशन करूंगा और इसमें आपको बताऊंगा कि कहां कहां कौन सी चीज़ हमने इसमें ऐड किया, कौन कौन सी एक्सरसाइज थी जिसको हमने इसमें कंबाइन किया। अब ज़रा देखिएगा बैक समर शॉट और इसके अंदर क्या क्या चीज़ें ऐड है। ठीक है, अब इसको मैं आपको स्लो मोशन में दिखाऊंगा कि क्या क्या चीज़ इसमें ऐड है, आप देखिएगा ज़रूर। तो इसके अंदर ऐड है सबसे पहले हमारा फुल अप जंप जो हम करते हैं इस तरह से, उसके बाद हमारा इसमें ऐड है टक जो बीच में हम इस जंप के बाद पकड़ते हैं, उसके बाद हमारा इसमें ऐड है बैक रोल जो कि मैंने आपको बताया है कि पीछे को रोटेट करते हैं, और नंबर 4 हमारी इसमें लैंडिंग है। तो बेसिकली कम्बिनेशन है उन एक्सरसाइजेस का जिसकी अभी हमने बात की है। अब आपने क्या करना है, आपने अपने फियर से लड़ना है, फियर से लड़ना है। अब आपने जो मूवमेंट सीख लिए, जो एक्सरसाइज सीख लिए हैं उनको इंप्लीमेंट कर दो, कोई सेफ जगह ढूंढो, फुल सेफ जगह ढूंढो जो आपके लिए कंफर्टेबल हो, जहाँ पे चोट लगने के चांस कम हो। अपने आप को कंफर्टेबल करो शूज़ के साथ, अगर नीज पैड हैं नीज पैड भी पहन सकते हो ताकि आप मुकम्मल तौर पे सेफ रहो। अब मैं बैक समर को थोड़ा सा कह लें कि गंदी फॉर्म में, थोड़ी सी रफ फॉर्म में करूँगा ताकि आहिस्ता आहिस्ता आपको पता चले कि हम इसमें बेहतरी ला सकते हैं। तो सबसे पहले विदाउट क्लोजिंग हो जाए, जैसे मैंने ये बैक हैंड स्प्रिंग को बनाया है, मैं आपको वही दोबारा करके दिखाता हूँ। ठीक है, अब इसमें आहिस्ता आहिस्ता मैं क्या करूँगा, क्लोजिंग को करने की कोशिश करता हूँ, एक काम करता हूँ कि टच करूँगा, जस्ट टच करूँगा और आहिस्ता आहिस्ता क्लोजिंग को पकड़ना शुरू कर दूँगा, मैं सिर्फ टच करूँगा। ठीक हो गया, तकरीबन लैंड। अब क्या करूँगा, मैं इसको मज़ीद क्लोजिंग की तरफ लाता हूँ ताकि ये एक बेहतर फॉर्म में आ जाए। ले, हमारी क्लोजिंग को ज़्यादा ही हो गई थी, निकलने लगी थी बॉडी, तो ये तकरीबन एक अच्छी फॉर्म आ गई है। अब हम क्या करते हैं, इसको मैं फुल एक एक्यूरेट वाला बैक फ्लिप आपको करके दिखाता हूँ और आज के इस ट्यूटोरियल को हम ख़त्म करते हैं। ले जी, ये था हमारा बैक फ्लिप का ट्यूटोरियल आज का। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, यूं ही अपनी मोहब्बत और अकीदत दिखाएं और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, दूसरों तक पहुँचाएँ।
कि जो चीज़ मैं सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ सबको, वो लोग घर बैठ के बाहर जैसे भी उस चीज़ को बगैर किसी ट्रेनर के सीख सकें, क्योंकि हमारी गेम का इशू ये रहता है कि ये बगैर ट्रेनर के सीखनी बहुत मुश्किल है। तो काइंडली इस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।